एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद संभल के ब्लॉक पमासा में स्थित आलम सराय देहात गांव पड़ा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 10 किलोमीटर है, तो वहीं जिला मुख्यालय से यह गांव 25 किलोमीटर दूर स्थित है। वर्तमान समय में ग्रामवासियों ने अमित कुमार को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। लगभग 6,500 की आबादी एवं 2,000 वोटरों वाला यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसर है। गाँव में 473 राशन कार्ड धारक लाभार्थी है। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गाँव की प्राइमरी पाठशाला में लगभग 220 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 30 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा 3 हैंडपंप रिवोल कराए गए हैं। विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 210 विद्युत पोल, 5 विद्युत ट्रांसफार्मर, 20 स्ट्रीट लाइट व 11 सोलर लाइट भी लगी हुई है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की करें तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पानी निकासी के लिए नाली, बसमसान घर का निर्माण कराया है। साथ ही वर्तमान प्रधान के देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वइज्जत घरों का भी निर्माण कराया है। वहीं एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने सीसी टाइल्स रोड, खडंजा, पानी निकासी के लिए नाला, पंचायत घर, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र, पानी की टंकी, मंदिर, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घर व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 65 आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। प्रधान अमित कुमार, ग्राम पंचायत आलमसरा देहात, ब्लॉक पमासा, तहसील व जिला संभल, जो भी पैसा सरकार द्वारा ग्राम पंचायत में आया है, उस पैसे का हमने सही तरीके से अपने ग्रामवासियों के लगाया है। जैसे कि सीसी टाइल्स का निर्माण, सोलर लाइट का निर्माण, स्ट्रीट लाइट का निर्माण, सार्वजनिक स्थल पर चबूतरों का निर्माण, गौमा शक्ति चबूतरे का निर्माण और अनेक कार्य किए हैं हमारे ग्राम पंचायत में। जैसे कि सफाई व्यवस्था अच्छी रहती है, उस पर विशेष ध्यान हम ही देते हैं, और स्कूल में, प्राथमिक पाठशाला में शिक्षा पे अच्छा ध्यान दिया जाता है, और मिट्टी में साफ सुथरा खाना बनवाया जाता है ताकि विद्यार्थियों को सही खाना प्राप्त हो सके, और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा मात्र साधन है आगे बढ़ने का, जो कि हर इंसान, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, अगर वो शिक्षा पा लेता है तो अच्छा रहता है। और हमने अनेक काम कराए हैं, जैसे शौचालय का निर्माण कराया है। हमारी पुरानी सूची 2011 की थी, जिसमें कि आवास बनना था और एक ही व्यक्ति पात्र था, तो एक ही आवास बन पाया है। मैं राज्य सरकार से अपील करता हूं कि हमारी ग्राम पंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए, ताकि हम ग्रामवासियों को और अनेक सुविधा उपलब्ध करा सकें और अन्य कार्यों का निर्माण करा सकें, जैसे कि जूनियर हाई स्कूल का निर्माण करा सकें और आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण करा सकें, पंचायती घर का निर्माण करा सकें, पानी की टंकी का निर्माण करा सकें, और जो भी जरूरतें हैं ग्रामवासियों की उन्हें पूरा कर सकें। मैं दीपक सागर, ग्राम आलमसराय देहात से। हमारे ग्राम प्रधान श्री अमित कुमार जी ने गाँव में बहुत विकास कराया है, अपने कच्चे मकानों को पक्का कराया है, रोडें डलवाई हैं, पौधारोपण करवाया और शौचालयों का निर्माण कराया और मरम्मत कराई है, और हमारे ग्राम पंचायत आलमसराय देहात में काफ़ी कुछ विकास हो गया है। और हमारे जो प्रधान जी हैं, हमेशा ग्राम पंचायत की देखभाल करते हैं, और स्कूल में बहुत अच्छा एजुकेशन है, मिड डे मील, बहुत अच्छा खाना मिल रहा है बच्चों को। और मेरा नाम अभिषेक कुमार, ग्राम मंडलिंदासराज संभल, आलमसराय देहात संभल। यहाँ प्रधान जी ने जो काम कराया गया सराहनीय है, जो यहाँ गंदगी रहती थी उसको सही कराया और अच्छा कार्य किया। मैं नरेश, आलमसराय देहात, क्षेत्र पंचायत से। मैं अपने क्षेत्र में एक पंचायती घर का बनवाने का प्रयास कर रहा हूँ, और जो ये जगह आप देख रहे हैं ये कम से कम 200 वर्ग मीटर के आसपास होगी, जिससे कि इसमें एक पंचायती घर बन जाए, जिसमें कि बच्चों की क्षेत्रीय शादियाँ होती हैं, उनका आराम मिला खरवाने के लिए, जैसे कि छोटे छोटे प्रोग्राम करते हैं, बच्चों का बर्थडे है या कुछ भी है, जिससे कि इनकी सुविधा गाँव वाले की हो सके।